आजकल उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार का पुतला दहन करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज बन गया है। बीते कुछ समय से विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार का पुतला दहन करने से पहले पुलिस के द्वारा पुतले को छीनकर भागना, पुतला दहन होने से पहले पानी डाल देना, इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। आज राजधानी देहरादून के विधानसभा के ठीक सामने उत्तराखंड रीजनल पार्टी द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान जैसे ही विरोध स्वरूप पुतले को आग लगाया गया, वैसे ही पुलिस ने पानी और फायर सेफ्टी गैस का छिड़काव कर पुतले को छीन लिया। इस दौरान आंदोलन कर रहे लोगों के सामने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल उत्तराखंड रीजनल पार्टी के बैनर तले कार्यकर्ता विधानसभा के सामने इकट्ठा हुए और उन्होंने क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उत्तराखंड रीजनल पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य बने हुए 23 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो 36 आरक्षण है उसको लटकाने का काम किया जा रहा है। बेवजह सरकार उसे प्रवर समिति को भेज दिया, यह राज्य आंदोलनकारियों के साथ निष्ठुरता है। आप लोगों ने विरोध किया है, कारण क्या है विरोध का? बड़ा कारण यह है कि सरकार ने जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए 36 आरक्षण का जो विधेयक था उसको प्रवर समिति के हवाले कर दिया है जानबूझकर के, जबकि कोई कारण नहीं था। और प्रवर समिति का कार्यकाल में भी जो है इसको एक दो महीने के लिए और लटका दिया है। इसका हाल भी वही तो वैसे ही होने जा रहा है जैसे लोकायुक्त बिल का हाल था। और हम लोग किसी भी हालत में इस तरीके का ये जो सरकार की जो तानाशाही और लापरवाही है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले ही इसको लेकर के काफ़ी मतलब 7-8 साल तक पहले ये राजभवन में लटका रहा और अब इसे फिर जानबूझ करके लटकाया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देहरादून से दैनिक भास्कर संवाददाता विनोद भंडारी की रिपोर्ट।